नॉन स्टॉप अमेजिंग नॉलेजेबल फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 17, एक टाइप का तोता होता है जिसे ड्रैगन तोता कहते हैं और इसका ऑफिशियल नेम है स्क्विड पैरट। और इस ड्रैगन पैरट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और ये इस दुनिया के सबसे यूनिक पैरट्स में से एक है। इनका एक्सप्रेशन भी बहुत यूनिक होता है। फैक्ट नंबर 16, आपने कभी कैट आई सिंड्रोम के बारे में सुना है? कैट आई सिंड्रोम यानी CES एक रेयर आंखों का डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत लोगों को जन्म से ही होता है और इस डिसऑर्डर में आंखें लिटरली कैट्स की तरह हो जाती है। फैक्ट नंबर 15, जिस तरह रोड्स होता है ना, जो कि एक साथ मिलता है एक सेंटर पे और उस सेंटर पे तीन रोड्स ऐसे जुड़े होते हैं, उसी तरह इस वर्ल्ड में ऐसी कई जगह है जहाँ ब्रिज जो है पुल वो भी इसी तरह का होता है। जैसे एक ब्रिज है द ट्रिज नाम का मिशिगन में और ये 1981 में ओपन हुआ था और आज भी फुल्ली मजबूत एंड एक्टिव है और ये ब्रिज नहीं बल्कि ट्रिज है, कुछ ऐसा दिखता है ये। फैक्ट नंबर 14, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अगर आलू में मुंह का शेप निकल जाए या फिर किसी पत्थर पे आकार या फेस निकल जाए तो आप उसे बेचकर पैसे कमा सकते हो म्यूजियम्स में। तो उसी से रिलेटेड ये एक फैक्ट है कि जापान में एक द चिचिबू चिंसेकीगेन यानी हॉल ऑफ क्यूरियस स्टोन्स नाम का एक म्यूजियम है और वो म्यूजियम एक्सक्लूसिवली इसलिए बना है कि उसमें लोग आए और ऐसे यूनिक पत्थरों को देख पाए। पूरे म्यूजियम में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिसपे फेस बना हुआ है या फिर कोई यूनिक आकार का रॉक बना हुआ है। फैक्ट नंबर 13, लेडी बग मतलब होता है ये इंसेक्ट्स जिन्हें आप अक्सर बगीचों में देखते होंगे। तो ऐसे कई लेडी बग होते हैं ना जो कि कुछ ऐसा दिखता है एकदम सोने की तरह और इसे गोल्डन लेडी बग कहते हैं और इसको सामने से देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये लिटरली गोल्ड का बना है, एकदम ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 12, इंसान के पूरे शरीर का जो हड्डी होता है वो करीब 10 साल में पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है, आप जो खाते हो उससे रिप्लेस हो जाता है। मतलब जब आप 10 साल के थे तब आपके पास जो हड्डी थी और जब आप 20 साल के होंगे तो आपके पास पूरा सेट ऑफ नया हड्डी होगा, वो नए खाने से बना होगा जो कि आप 10 साल से खाते आए हो। अपने 10 साल के बाद हड्डी का एक एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट पूरा चेंज हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है आप अपने बॉडी का 2 लाख स्किन सेल्स हर घंटे लूज करते हो और घरों में जो एक जनरल सी स्मेल होती है ना वो मेजरली डेड स्किन की ही होती है और अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं तो आप 4 kg स्किन सेल्स पूरे साल में लूज कर लेते हो। फैक्ट नंबर 10, आपका जो लिवर है ना वो आपके बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर 75% कार्ड भी दिया जाए ना तो वो रिमेनिंग जो 25% बचा हुआ है उससे वो वापस 100% बन जाएगा कुछ ही महीनों में। ये लिवर आपके बॉडी के सबसे मैजिकल ऑर्गन्स में से एक है, रीग्रोथ की क्षमता बहुत होती है लिवर में। फैक्ट नंबर 9, अगर पूरे बॉडी को एनालाइज करें हम लोग तो आपको पता है आपका जितना भी शरीर में हड्डी है उसका 25% बोन आपके फीट में ही है, ओनली फीट वाले एरिया में। पूरे बॉडी का 25% अच्छा खासा बोन सिर्फ आपके फीट में है क्योंकि वहाँ बोन का कॉन्सेंट्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता है। फैक्ट नंबर 8, डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं बट क्या आपको पता है कि हर साल 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स डिक्शनरी में न्यू ऐड होते हैं, यानी डिक्शनरी जो है वो बस डिक्शनरी स्टिल नहीं रहता है, जो वर्ड है वही है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डिक्शनरी अपडेट होता है, 1000 वर्ड एवरेजली पर ईयर नया ऐड होता है डिक्शनरी में। फैक्ट नंबर 7, ईयरफोन कितनी अच्छी चीज है ना, आप मस्त गाना सुन पाते हो अपने प्राइवेसी में, बट ईयरफोन्स को इन्वेंट किसने किया था? तो नैथनल बैल्डविन, इन्होंने इन्वेंट किया था ईयरफोन को। फैक्ट नंबर 6, मैं आपको इन्फ्लेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा रहा हूँ। ये है इंडिया का इन्फ्लेशन चार्ट फ्रॉम ईयर 1985 टू 2019 एंड प्रेडिक्टेड टिल 2025। इन्फ्लेशन मतलब पैसे का वैल्यू कम हो जाना, एवरेजली हर साल 5-7% इन्फ्लेशन होता है। अगर आपके पास साल 1985 में
5,000 रुपए थे तो वो उस समय बहुत था, बट आप 1985 में 5,000 रुपए में जितने सामान खरीद सकते थे, अभी के टाइम आपको उतना ही सामान खरीदने के लिए 50,000 रुपए चाहिए होगा। इसलिए पैसा कमाने के बाद उसको एक जगह बैठाए रखना सही नहीं होता, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो टाइम के साथ ग्रो होते रहे। बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं फ्यूचर पर्पसेस के लिए, जैसे अपनी बेटी की शादी के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में होता है। बट लोगों को दिक्कत आती है, एक तो बहुत पैसे लगते हैं गोल्ड खरीदने में, और दूसरा उसको संभाल के रखने का टेंशन, सिक्योरिटी का। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे डिजिटल गोल्ड खरीद के अपना ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप स्टॉक्स गोल्ड से आप बहुत ही आसानी से डिजिटल गोल्ड बेच और खरीद सकते हो, वो भी लाइव मार्केट प्राइस पे, घर बैठे, कहीं से भी और कभी भी। इसमें आप 24 कैरेट का 99.99% प्योर गोल्ड खरीद सकते हो, और थोड़े थोड़े पैसे से भी खरीद सकते हो, मतलब 1 रुपी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जिनके पास बहुत सारा पैसा अरेंज करने में डिफिकल्टी हो, तो 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1,000 रुपीज, इतने के भी थोड़े थोड़े गोल्ड आप खरीद सकते हो। आप स्टॉक्स गोल्ड एक बहुत ही सेफ और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इसके कुछ 3 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। आपका गोल्ड 100% सिक्योर्ड वॉल्ट में रखा जाता है, इसलिए आपका गोल्ड सेफ और सिक्योर्ड रहता है। डिजिटल गोल्ड का और एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह ये सब जो होता है वो नहीं देना पड़ता है, जो कि अगर आप ज्वेलर से खरीदने जाओ तो 5-8% तक लगता है। हाँ, इसमें सिर्फ 3% GST पे करना पड़ता है। और बहुत ही जल्द अपस्टॉक्स गोल्ड होम डिलीवरी भी शुरू करने वाला है, तो जब भी आपको जरूरत हो, किसी की शादी हो या किसी का बर्थडे हो या फिर किसी के बर्थडे में गिफ्ट देना हो, तो आप अपने घर पे गोल्ड डिलीवर करवा सकते हो। आप स्टॉक्स गोल्ड से डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत ही इजीली खुल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके अकाउंट खोल सकते हो, और ऐप को भी डाउनलोड जरूर करना। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है ना कि बॉडी में अलग अलग पार्ट्स का ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट मतलब बॉडी के उस पार्ट को लगाना जो कि उस इंसान में खराब हो गया हो या फिर नहीं हो। तो आपको पता है आंखों के अंदर का कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांट होता है, और कॉर्निया को जब डॉक्टर्स लगाते हैं आंख में तो वो स्टिच करते हैं, और वो कॉर्निया कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फैक्ट नंबर 4, बफ लिस्ट पॉलिश चिकन नामक एक चिकन होता है यूरोप में, और वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग एनिमल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है, अगर आप 2 रुपए लो और उसको डेली डबल करते रहो, जैसे आज 2 रुपए है, कल 4 रुपए कर दो, परसों 8 रुपए कर दो, उसके बाद 16 रुपए कर दो, तो ऐसे डबल करते करते 25 दिन में आपके पास कितने पैसे होंगे? अंदाजे से बिना कैलकुलेशन के लग रहा होगा कि 2 रुपए डबल करते करते कुछ 1,000-10,000 हो जाएगा शायद, बट नहीं, 25 दिन में वो 2 रुपए 1,67,00,000 रुपए बन जाएंगे, और 30 दिन में 53 करोड़ रुपए हो जाएगा। जी हाँ, इट्स ट्रू, खुद करके देख लो ब्रो। इसका आप पूरा चार्ट देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि डबल होते 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 कितना हो रहा है, कितनी अमेजिंग बात है ना। फैक्ट नंबर 2, जो आप नेटफ्लिक्स का नाम सुने हो ना, नेटफ्लिक्स, तो ऐसा लगता है देखने में कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो वो रिसेंट स्ट्रीमिंग की दुनिया में आई है, और ये शायद कोई मॉडर्न कंपनी है जो कि मतलब हाल ही में शुरू हुई होगी ना, बट फैक्ट ये है कि नेटफ्लिक्स जो है ना वो गूगल से भी पहले की चीज है। नेटफ्लिक्स फाउंड हुआ था 1997 में और गूगल 1998 में आया था। नेटफ्लिक्स गूगल से भी पुरानी कंपनी है। फैक्ट नंबर 1, अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाए तब क्या होएगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी ब्लैक होल, इस यूनिवर्स में इतने सारे ब्लैक होल्स हैं, बट कोई भी सोलर सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर पाया है। बट क्या होएगा जब ऐसा होएगा?
दो चीजें हो सकती है। पहले ये देखते हैं कि अगर एक मैसिव ब्लैक होल आ गया सोलर सिस्टम में तो क्या होगा। अगर एक बड़ा ब्लैक होल सोलर सिस्टम के पास आ गया तो वो पूरे सौर मंडल को सक कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि ब्लैक होल का जो भूख है वो कभी मिटता नहीं है, और वो पूरे सोलर सिस्टम को खाने के बाद भी दूसरे जगह की चीजों को भी सक करने लगेगा और करता ही रहेगा। ये था पहला केस। और दूसरा केस कि अगर एक छोटा सा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर गया तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे प्लैनेट्स को इफेक्ट करना शुरू करेगा। मान लो कोई ब्लैक होल प्लूटो के पोजीशन पे आ गया, तब वो जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, उसको इफेक्ट करेगा और उसको खा जाएगा, पूरा गैस जायंट को सक कर लेगा। और जैसे ही जुपिटर को खींचा अपनी तरफ, सारे प्लैनेट्स की पोजीशन हिल जाएगी और अर्थ जो कि इतने अच्छे जोन में है जहाँ ना गर्मी ना ठंडा है, लाइफ वाला जोन, उससे वो हिल जाएगा और कहाँ दूर इधर उधर घूमते रहेगा, और सन धरती को इधर खींचेगा और ब्लैक होल इधर खींचेगा। बट जब ब्लैक होल आएगा सन के सामने तो वो सन को ही खा लेगा और धरती को भी ऑफ कोर्स। बट धीरे धीरे जब वो ब्लैक होल धरती को धीरे धीरे सक कर रहा होगा, तब हम लोग देखेंगे कि कभी दिन हो जा रहा है कभी रात हो जा रहा है, क्योंकि धरती कोई ऑर्डर में काम नहीं कर रहा है। तो अचानक से सुबह 4 बजे दिन हुआ, 5 बजे सूरज निकला, 7 बजे शाम हो जाएगा, ऐसा होने लगेगा अगर कोई ब्लैक होल आ गया तो। और धरती धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर जाने लगेगी और सब कुछ धीरे धीरे कॉम्प्रेस होके ब्लैक होल के अंदर कॉम्प्रेस हो जाएगा। और ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होगा ये तो विज्ञान भी नहीं जानता, ये तो ना स्पिरिचुअलिटी जानती है ना विज्ञान जानता है। किसी और डायमेंशन में निकलेगा या फिर व्हाइट होल से निकलेगा ये कोई नहीं जानता। सो दैट वॉज द इन्फो। एंड यस फ्रेंड्स, अपस्टॉक्स गोल्ड से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ओपन योर फ्री अकाउंट एंड ऑल्सो डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।